Hello, welcome to the lecture series of linear programming. We are at a lecture 5. In this lecture, we study about transportation problem. हमने जैसा कि पिछले lectures में कैसे linear programming problems क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, कैसे उसे solve करते हैं, जैसे उसके steps जो थे कि हमें सबसे पहले mathematical formulations करते हैं उसका, फिर उसके बाद उसका graph plotting करते हैं, उसका physical region find करते हैं, फिर उसका corner point find करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ये चेक करते हैं कि रीजन बाउंड। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस यहां पे क्या दिया हुआ है, इसकी डिमांड क्या है, क्या हमसे ये चाहता है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड वन एट अ प्लेस पी एंड अदर एट अ प्लेस क्यू। From this location, a certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A, B, C. A और B, A, B, C पे कुछ चीजें स्थित है, वहाँ पे हमें कोई चीज भेजनी है A, B, C. The weekly requirement of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factory is P and Q respectively 8 and 6 units. Okay? The cost of the transportation is given below. कि हमारा फैक्ट्री P है, ये P से A में, P से A तक जाने का कॉस्ट आ रहा है 160 रुपीज, P से B तक जाने का 100 रुपीज, P से C तक का जाने में 150 रुपीज, ओके ओके। और Q से A तक जाने का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, Q से B तक का जाने का कॉस्ट है 120 रुपीज, Q से C तक का जाने का कॉस्ट है 100 रुपीज। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट्स इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो सबसे हम लोग बेसिकली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री ये है, ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री हो गया, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, और ये हमें कुछ सामान यहाँ भेजनी है, कुछ एक लोकेशन ये हो गई, कोई लोकेशन हमारा ये हो गया, कोई लोकेशन ये हो गया, तो हम लोग किस पाथ को प्रिफर करें जिससे कि हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे दो हमारे पास फैक्ट्री है, पी और क्यू, यहाँ पे दो लोकेशन हो गया, और ये कुछ डिपोट्स हैं तीन जगह का। इसका ये है कि हाँ वीकली इसके पास इतना आना चाहिए, इसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट आने चाहिए इसके पास, और ये जो डिलीवर करने वाले हैं वो पी और क्यू हैं। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कितना हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ ये इतना यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा या ये इतना यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा इसके पास, ठीक है, कि लिमिटेशंस होगी या फिर हो सकता है लिमिटेड हो। उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमें ये बतानी है कि इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है वो मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन के जरिए इस चीज को हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग पिक्टोरियल व्यू देखते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। हर एक लाइन को पढ़ते हुए चलते हैं। देयर आर टू फैक्ट्री लोकेटेड वन एट प्लेस पी एंड अदर एट प्लेस क्यू। तो मान लेते हैं ये हमारी फैक्ट्री हुई पी, ये एक प्लेस पे है यहाँ पे, और दूसरा मैंने मान लिया फैक्ट्री है क्यू, ये यहाँ पे इस प्लेस क्यू पे है, ठीक है। तो ये यहां तक का तो कवर हो गया हमारा, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम दीज लोकेशन, ये जो लोकेशन है ये और ये जो लोकेशन है, इन दोनों लोकेशन से, फ्रॉम दीज लोकेशन अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ दी थ्री डिपोट सिचुएटेड एट ए बी सी। अब यहां से क्या है कि थ्री डिपोट्स पे हमें कोई सामान भेजना है जो कि ए बी सी, अगर हमारे तीन जगह है तो मान लेते हैं कि ये तीन जगह ऐसे हो गए कि एक जगह यहाँ पे होगा, ये ए ये हो गया, बी यहाँ पे कहीं हो गया और सी कहीं यहाँ पर हो गया, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, तो हमने रैंडमली यहीं पे मान लिया। अब यहाँ पे कुछ सामान हमें भेजना है, ये डिपोट्स हो गए। अब क्या बोला है, द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली 5, 5, 4 यूनिट्स। यानी इसका वीकली रिक्वायरमेंट कितना है 5, इसका कितना है 5 और इसका कितना है 4। यानी इसमें 5 यूनिट चाहिए, बी के पास भी 5 यूनिट चाहिए और सी के पास क्या चाहिए 4 यूनिट। तो यहां तक का लाइन का ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6 यूनिट। अब ये देखो 5, 5, 10 और प्लस
14 और 8 और 6 14, यानी ये इसके जो भी मिनिमम कांस्टेंट इसको फुलफिल तो कर सकता है, क्योंकि देखो सम करने जितना प्रोडक्शन हो रहा उतना ही हमें यहाँ पे डिलीवर भी करना है, तो यानी ये प्रॉब्लम ये है कि हाँ सेंस बना रहा है, तो यानी इसके पास 8 यूनिट है और इसके पास 6 यूनिट, तभी देखो 5 5 10 प्लस 4 14 हमें डिलीवर करना है और प्रोड्यूस कितना हो रहा है बी और क्यू को मिलाकर 8 और 6 14। ओके, अब क्या बोला है द कास्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, तो मान लेते हैं कि देखो कास्ट यहां से कुछ आ रहा होगा पी से क्यू, पी से ए की तरफ कुछ आ रहा होगा, फिर पी से बी की तरफ कुछ आ रहा होगा यूनिट, फिर पी से सी की तरफ कुछ यूनिट आ रहा होगा, हमें नंबर नहीं पता है, बस हम ऐसे आपको फिगर बना के बता रहे हैं कि हाँ सर्टेन नंबर कुछ आ रहा होगा, अब जो भी वो नंबर हो सकता है कि एक आ रहा हो दो आ रहा हो ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ही ये डिलीवर हो रही होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये कुछ कॉस्ट दी हुई है कि पी से ए तक जाने का जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज है, तो इसको लिखते चलते हैं, पी से ए तक का जाने का कितना है कॉस्ट 160 रुपीज, फिर पी से बी तक को जाने का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, फिर पी से सी तक का जाने का कॉस्ट कितना है 150 रुपीज। ओके, उसके बाद क्यू से ए तक का जाने का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, फिर पी से क्यू से बी तक का जाने का कॉस्ट कितना है 120 रुपीज, और क्यू से सी तक का जाने का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। ओके, तो ये कॉस्ट दे दिया कि हाँ ये 100 रुपीज है, इधर 120 और इधर समथिंग अमाउंट। अब हमें क्या है ये पता करना है कि इधर पी ए को कितना यूनिट सप्लाई करेगा, बी को कितना सप्लाई करेगा, फिर ये सी को कितना सप्लाई करेगा, और इसके बाद क्वेश्चंस का ये यहाँ तक का क्वेश्चंस का लाइन कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यहाँ पे पिक्टोरियली व्यू में दिखा दिया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोर्ट्स इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, हमारा टारगेट क्या है कि कितना मतलब पी से और क्यू से कितनी क्वांटिटीज में भेजी जाएंगी डिपोर्ट्स ए बी सी के पास कि जिसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम है, तो यानी हमें कुछ सपोज करना होगा, तो लेट क्या सपोज करते हैं कि पी से ए की मतलब फैक्ट्री पी से डिपोर्ट्स ए पे एक्स यूनिट भेजा गया और पी से डिपोर्ट्स आपका बी पर वाई यूनिट भेजा गया। ओके, वाई यूनिट भेजा गया तो ये तो मान सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं जो मान रहे हैं हम लोग, ब्लैक पेन से लिख ले रहा हूं, लेट From factory P, X unit sends to depots A, A and Y unit sends to depot B। ये तो मान सकते हैं हम लोग, तो वही हमने माना, तो यहाँ पे X और ये Y लिख दिया, इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ, X और ये हो गया Y। ओके, इस थोड़ा गंदा मतलब ऐसे थोड़ा सा डर्टी ना लगे इसलिए थोड़ा सा अलग अलग ही लिख देते हैं, ये आपका वाई यूनिट हो गया और ये आपका एक्स यूनिट हो गया। ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो, तो व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमें बताना है कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ पर तो कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है, तो यानी अब इसी इन्फॉर्मेशन से ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गेन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कैसे इसमें आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये पी जो है ए को एक्स यूनिट सेंड कर रहा है, पी जो है वो बी को वाई यूनिट सेंड कर रहा है, तो क्या हम लोग पी सी को कितना यूनिट सेंड कर रहा है ये बता सकते हैं, या क्यू सी को कितना यूनिट सेंड कर रहा हो, क्यू बी को कितना यूनिट, क्यू ए को कितना यूनिट सेंड कर रहा है ये बता सकते हैं क्या, जरा सोचो। तो हमारे पास ये पता है कि डाटा क्या है हमारे पास कि पी के पास टोटल क्वांटिटी 8 है और पी जो ए को सेंड कर रहा है वो एक्स है, पी वाई को सेंड कर पी जो बी को सेंड कर रहा है वो वाई यूनिट है और टोटल इसके पास 8 है, तो अगर ये एक्स यूनिट इसको सेंड कर दिया, वाई यूनिट इसको सेंड कर दिया, तो इसके पास बचेगा कितना, 8 माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा, तो वही क्वांटिटी वो सी को सेंड कर सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि देखो 8 प्लस 6 14 है, 5 प्लस 5 14 है, यानी सेंड करने के बाद इसके पास 0 ही बचेगी और इसके पास भी 0 ही बचेगा, तो वहां से हमें पता चला कि P जो C को सेंड कर रहा हूं कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम फैक्ट्री P
8 minus x minus y unit sends to 2 reports reports 8 minus x minus c unit किधर जा रहा है c के पास क्लियर। अब देखो a के पास टोटल तो 5 चाहिए, x यूनिट इधर से आया तो बाकी का बचा हुआ कितना हो गया 5 minus x, वो किधर से आएगा, वो आएगा q की तरफ से, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 minus x। सिमिलरली इसके पास कितना था y, तो आ गया यहां से P से इसकी तरफ, तो Q से कितना जाएगा 5 माइनस वाई जाएगा, तो 5 माइनस वाई लिख दिया गया। अब ये बताना इसके पास टोटल तो 4 है और इधर से कितना है 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो Q से कितना आएगा, वो आएगा 4 माइनस जितना इसके पास आ गया उसको माइनस कर देंगे 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 8। ओके क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या मिल गया डाटा, एक्स यूनिट ये है वाई यूनिट ये, तो अब हम इस पे कॉन्स्टेंट्स कैसे लगाएंगे, अब हम लोग कैसे बताएं कि हाँ क्या होगी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, किसको मिनिमाइज करना है या किसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक चीज हमें ये पता है कि पी से ए की तरफ एक यूनिट आ रहा है और पी से ए की तरफ एक एक्स यूनिट आ रहा है और पी से ए की तरफ एक यूनिट आने का कॉस्ट है 160 रुपीज, एक कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या। तो चलिए पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब पी से ए की तरफ एक यूनिट जाने का खर्चा 160 है, तो एक्स यूनिट जाने का कितना हो जाएगा 160 इंटू एक्स आएगी आपकी, बिल्कुल सही, वन यहां पे मैं लिखते चल रहा हूं 160x प्लस पी से बी की तरफ वाई यूनिट जा रहा है, एक यूनिट का खर्चा 100 है, तो कितना हो जाएगा ये 100y होगी, 100y प्लस पी से सी की तरफ कितना रुपया लग रहा है एक यूनिट का 150, और ये टोटल 8 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो क्या लिखेंगे इसे 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर प्लस क्यू से ए की तरफ जाने का कितना कॉस्ट है 100 और टोटल कितने हैं 5 माइनस एक्स, यानी 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई, 120 इंटू 5 माइनस वाई, फिर ये क्या हो गया 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8, 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 160x प्लस 100y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 का 8 में करेंगे तो 120 और 0 का 1200, फिर ये आ जाएगा 150x माइनस 150y प्लस 500 माइनस 100x प्लस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इसको, 120 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 माइनस 120y, ओके फिर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 100x प्लस 100y माइनस 800, क्लियर है यहाँ तक, बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब जहां जहां ये x है उसको पहले एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 160 ये 160 में से 150 जाएगा कितना बचेगा 10 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 90, माइनस 90 और प्लस 100 मिलकर कितना हो गया 10x आ जाएगी, तो लिखते हैं इसको 10x, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, ये जो भी है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है जो इक्वल टू में चलेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद अब हम y वाले को देखते हैं, तो मैं ग्रीन का यूज करता हूँ, 100y माइनस 150 यानी माइनस 50y हो गया, अब माइनस 50y ये है और इधर आपका 100y है, तो कितना हो जाएगा प्लस 50y हो जाएगी, बिल्कुल प्लस 50y, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ प्लस 50y और ये देखिए यहाँ पे एक छूट गया, ये एक बार आपको फिर से बता देते हैं 100y माइनस 150y, तो कितना आया माइनस 50y, माइनस 50y प्लस 100y, तो प्लस आपका 50y हो गया, फिर माइनस 120y, तो ये माइनस क्या जाएगा आपका माइनस 50y आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस 50y आया था माइनस 120y है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 70y, ओके।
-120 plus 100 -20 -20 -100 तो -120 सॉरी माइनस क्या मैं कर रहा हूँ फिर से देखते हैं 100y -150y -50y -50 और -120 -170 और प्लस 100 तो -70 आ गया। अब हम लोग फिर ये कांस्टेंट टर्म को देखते हैं तो 1200 प्लस 500 1700 फिर 1700 के बाद 600 फिर से देखते हैं 1200 ये यहाँ पर हमारा कितना आया था 4 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी इसे सही कर लेते हैं नहीं तो फिर हमारा कैलकुलेशन ही मिस्टेक मतलब आगे सही नहीं आएगी सॉरी ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा ये माइनस 4 आएगी तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 4 ठीक है तो ये x प्लस 4 x प्लस y माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी ये 4 आ जाएगी क्लियर। फिर उसके बाद ये आपका 4 था तो ये आपका 400 आ जाएगा ये प्रोसेस वही है बस थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कोई नहीं। तो आपका क्या हो गया 1200 प्लस 500 1700 और आपका 600 2300 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका 1900 आ जाएगी। यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसको अगर हम लोग जेड से डिनोट करें तो क्या हो गया ये 10x माइनस 70y प्लस 1900 ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया ठीक है। अब हमें इसे क्या करना था मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज जैसी बात है खर्चे है तो मिनिमाइज ही करनी होगी तो क्या है ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको जेड मिनिमम यानी हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया कि जेड को हमें मिनिमाइज करना है क्या होगा मिनिमम वैल्यू जेड मिनिमाइज 10x प्लस माइनस 70y प्लस 1900 क्लियर। अब क्या है अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिल गया अब कॉन्स्टेंट्स क्या है इसमें कॉन्स्टेंट्स के लिए तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया था अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं से आएगी। तो देखो ये जो भी है x यूनिट y यूनिट 8 माइनस x माइनस y यूनिट x प्लस y माइनस 4 यूनिट 5 माइनस x 5 माइनस y यूनिट ये सब क्या है नॉन निगेटिव नंबर क्योंकि अगर कोई बोले कि माइनस 5 यूनिट सप्लाई किया तो कोई इसका सेंस नहीं है हो सकता है कि कुछ ना सप्लाई करे तो उसे 0 यूनिट बोलेंगे हो सकता है कि कुछ नंबर्स में हो 5 यूनिट या 6 यूनिट तो वो हो सकता है यानी ये क्या होगा सबको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना है। तो x यूनिट और y यूनिट के लिए क्या लिख देंगे हम लोग पहले कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे या फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ऐसे जो लिखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा एक्स कमा वाई ग्रेटर देन जीरो फिर ये 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया चलिए इसको सिंप्लीफाई भी करते चलेंगे 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है। फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो इसका क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 क्लियर। फिर अगला आपका क्या है 5 माइनस x और 5 माइनस वाई ये सारे क्या होंगे नॉन नेगेटिव नंबर इसलिए हम सबको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं यानी 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x और ये 5 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। तो हमारे पास कितने हो गए ये 1 ये आपका 2 ये आपका थर्ड ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ ये आपके 5 हमारे पास मिल गए। तो हम इनको एक पास लिख लेते हैं ताकि हमारा समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारा। तो मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ कि जेड को मिनिमाइज करना है जेड मिनिमम की वैल्यू क्या है 10x माइनस 70y 10x माइनस 70y प्लस 1900 ओके। कॉन्स्टेंट्स क्या है पहला 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स वाई या फिर थोड़ा अच्छे से इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगता है एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8। दूसरा क्या हो गया एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 यानी आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। फिर आपका x जो होगा वो 5 से लेस होगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू 5 और आपका एक x और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 x greater than 0 and y greater than 0। तो आपका 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन हुए यहाँ पर भी 6 आपका आया था 1 2 इधर 1 और ये 2 फिर ये 3 4 5 6 6 हो गए आपके और आपका कॉन्स्टेंट हो गया यानी आपने जो गिवन प्रॉब्लम था उसका आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लिया
तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को एक बार मैं आपको समराइज करता हूँ कि हमने किया क्या। सबसे पहले जो भी था उसको हमने फैक्टोरियल व्यू लिया। फैक्टोरियल व्यू में फिर हमने सपोज किया कि पी से ए किसी भी स्पॉट पे कंसिडर कर सकते हैं, एक्स यूनिट भेजा जा रहा है आपकी इच्छा पे ही। तो हमने यहाँ पे पी से ए पे माना है एक्स यूनिट, तो पी से बी बी पे कितना आएगा वाई यूनिट। फिर हमने यहाँ से कंप्यूट किया कि हाँ अदर्स स्पॉट्स पे दूसरी फैक्ट्रीज के द्वारा या क्रॉसबाउंडरी फैक्ट्रीज के द्वारा कितने यूनिट सप्लाई होंगे, उसको हमने लिखा गया। फिर उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट किया। तो जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया 10x-70y+1900। अब इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमें क्या है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स इसमें आएंगे, वो कॉन्स्टेंट्स हमें मिनिमाइज करना है। तो जेड मिनिमम तो आ गया, अब ये कॉन्स्टेंट्स कहाँ से आएंगे, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि ये सारे जो क्वांटिटीज है वो नॉन निगेटिव है, यानी सारे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो सबको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से हमें सिक्स कॉन्स्टेंट्स मिल गए। ओके, अब ये जो सिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ पे इसको प्लॉट करनी है। तो कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, चलिए अगले स्टेप्स, क्योंकि यहाँ जब हमारा एक बार मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना रहता है, उसे ग्राफ पे प्लॉट करना रहता है। अब हमें इसलिए लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हमें पहले दो पॉइंट चाहिए इस लाइन के लिए। किस लाइन के लिए, एक्स प्लस वाई बराबर 8 के लिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, सिंपल। और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ से 0, 8 एक पॉइंट मिल जाएगा और दूसरा 8, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले लाइन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 4, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, 0। तो ये हमारे पास दो लाइन मिल गए। अब ये x इक्वल टू 5 हो गया, तो ये तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 5 जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइंस का ग्राफ बनाते हैं, इसे मैं डिनोट करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इसे L1 से डिनोट कर रहे हैं, इसे L2 से, इसे L3 से, और इसे L4 से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड सेट कर लेता हूं मैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये x एक्स डैश, ये आपका ओरिजिन, ये y एक्सिस हो गया y y डैश, ठीक है, ये y y डैश हो गई। अब हमें ये देखना कि कितने पॉइंट्स दिए हैं, जैसे 0, 8, 8, 0, 0, 4, 4, यानी हम लोग 1 का ले सकते हैं या फिर 2 का भी ले सकते हैं। तो चलिए 2 का ही लेके देख लेते हैं, 2, ये 4, ये 6, और ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 10। इधर भी लिखते हैं 2, 4, 6, और ये हो गया 8, और इधर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये -4, इधर क्या हो जाएगा -2 और ये -4। इसके लिख देते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, एंड ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, और वाई एक्सिस पे एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। क्लियर यहां तक, ठीक। अब हम लोग पहले L1 को ड्रॉ करते हैं। L1 को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, 0, 8 और 8, 0। तो 0, 8 ये हो गया पॉइंट, और सॉरी 8, 0 ये हो गया, और 0, 8 ये हो गया। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले L1 को। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी हमारी L1 की। इसलिए L1 को लिख लेते हैं हम लोग, L1 जो होगा x प्लस वाई बराबर 8। दूसरी जो लाइन है L2 वो क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 4, यानी 0, 4 और 4, 0। तो 0, 4 और 4, 0, तो ये पॉइंट हो जाएगी हमारी और ये पॉइंट हो जाएगी। तो इसे हम लोग ड्रॉ कर लिए। हाँ, एक चीज हम पिछले लाइंस में छूट गया था, अभी उसके भी कर लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 4। अब पहले L2 के लिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या ओरिजिन इसमें लाई कर रही है। अगर हम लोग 0, 0 देख रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मतलब ये जो होगा इसका सेकंड रीजन वो क्या होगा, कि जिस साइड ओरिजिन ना हो वो वाला रीजन आएगा, तो हमारा ये रीजन आ जाएगा इसमें। और L1 के लिए अगर देखा जाए तो L1 लाइन क्या थी, इसमें ओरिजिन आ रही है, 0, 0 अगर रखा जाए तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसके सॉल्यूशन रीजन में क्या आएगा, जिस साइड ओरिजिन कंटेन हो, यानी ये वाले रीजन, ठीक है। देखो ये इंटरसेक्ट करने वाला रीजन ये दिख गया।
अभी और भी हैं लाइन, तो उन्हें भी हमें कंसीडर करना है, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके तब हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा इसका वैल्यू। और ये दोनों लाइन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अगर करना होगा तो ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आप प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर मीट करेंगे। अब अगला L2 लाइन L3 लाइन ड्रा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x is equal to 5, x is equal to 5 का मतलब ये यहां से जाएगी कुछ लाइन, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आपका L3 लाइन हो गया, L3 is equal to x is equal to 5। सिमिलरली आपका L4 वो भी 5 रहेगी, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो ये आपका L4 आ गया, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5, क्लियर, y इक्वल टू 5, ये आपका L3 और L4 हो गया, और x ग्रेटर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले लाइन, एंड इसका जो रीजन आएगा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही रीजन। हाँ, अब L3 और L4 के लिए देखते हैं कि कौन सा रीजन बोल रहा है कॉमन है। अब ये क्या है कि x लेस देन 5 और y लेस देन 5, यानी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इन दोनों के लिए जो हमारा रीजन होगा वो क्या होगा, ये इधर वाले रीजन आएंगे, तो हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा आ रहा है, तो मैं रेड मार्क रेड से शो कर रहा हूं इस चीज को, तो इंटरसेक्टिंग रीजन क्या आ रहा है, ये आ रही है हमारी रीजन, ये हमारा जो मैं बाउंड्री पॉइंट्स को ले जाते हुए दिखा रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, ये शेडेड रीजन हो गई, तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा फिजिबल रीजन, तो मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि देखने में हमारा ग्राफ जो हो वो सुंदर सा लगे। तब तक आप लोग इसका कॉर्नर पॉइंट्स बताएं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगी, ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया, ये तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, इसको लिख देता हूं मैं फिजिबल रीजन, ओके। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स किधर है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गई, एक यहां पर इंटरसेक्टिंग, एक ये यहां पर, और फिर ये, तो ये वाली पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले, तो ए क्या हो गया हमारा, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ए क्या हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू 4,0, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स इक्वल टू 5 वाली लाइन इंटरसेक्ट की कर रही है, तो 5,0, फिर ये जो लाइन है हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, एक्स की वैल्यू 5 जब पुट करेंगे इस लाइन में तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, तो 5,3। सिमिलरली इस वाले लाइन में अगर y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू 3, तो ये 3,5, यहाँ पे आपका 0,5 आ जाएगा ये, और फिर ये वाली जो पॉइंट है वो क्या है 4,0, तो ये आपका हो जाएगा 4,0, यानी ये आपका a b, ये आपका c हो गया, ये d हो गए, ये e हो गया, और ये f हो गया, यानी हमारे पास टोटल 2, 2, 4, 2, 6 पॉइंट्स हमें कॉर्नर पॉइंट्स में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, ये इसका बाउंड्री है, ये सारी चीज, ये बाउंड्री है आपकी, ये बाउंड्री को मैंने शो कर दे रहा हूं यहाँ पे, ओके, हियर फिजिबल रीजन इज, यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या है, हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। और इसके कॉर्नर पॉइंट भी मिल गए, तो चलिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं हम लोग, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और जेड की वैल्यू क्या थी, 10x माइनस 70y प्लस 1900। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करना हमें, ए बी सी डी ई और एफ तक है, ए फिर बी आपका सी फिर डी फिर ई और लास्ट में आपका आता है एफ। तो क्या है, ए A है आपका 4,0, B है 5,0, तो ये लिखते हैं इसको 4,0, ये हो गया आपका 5,0, C की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 5,3, और D की वैल्यू 3,5, 5,3 और D की वैल्यू हो गई 3,5, E की वैल्यू क्या है, 0,5, और F की वैल्यू क्या है, 4,0 नहीं होगा, सॉरी 0,4 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है ना, तो x की वैल्यू तो 0 ही होगी, और ये आपका पॉइंट हो गया 0,4। तब इस पे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इस पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो अगर हम इस पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40, और ये तो 0, यानी 1940 आ जाएगी, ये बिल्कुल सही। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1950, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। अब जब यहाँ पे 5,3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50, और 1950
माइनस 3 का मल्टीप्लाई 70 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 210। तो ये आगे आपका 5 में से बन जाएगा 40, 19 में से 2 जाए 17, यानी 1740। क्लियर। अब 3 कमा 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30, और 19 में 30 ऐड करेंगे तो 1930 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 में क्या हो जाएगा 350। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाए 5, यानी 1580 आ जाएगी ये। फिर 0 कमा 5 अगर रखेंगे तो ये 0 से तो ये खत्म, ये आपका 1900 माइनस 350, तो ये आपका आ जाएगा 1550 माइनस करने पर। फिर उसके बाद अगर हम लोग 0 कमा 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 280, जो कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1620। तो इन सब में हमें क्या निकालना था, जेड को मिनिमाइज करना था या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसमें, सॉरी अभी हमारे आंसर तक तो पहुंचे नहीं। अब यहाँ पर फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। हियर फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। दस फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो क्या होती है, जो इसमें मिनिमम वैल्यू होती है वही मिनिमम वैल्यू उस गिवन प्रॉब्लम की होती है। अक्रॉस बाउंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कामा 5। यह फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, दस मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 1550 रुपीज एट 0.5। 0.5 पे इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। 0.5 का मतलब क्या है कि अगर P जो है वो A को 0 यूनिट सप्लाई करे और P जो है B को पूरी ही यूनिट, यानी 5 का 5 यूनिट ही सप्लाई करे, और P C को बचा हुआ यूनिट यानी 3 यूनिट सप्लाई करे, तो इस केस में जो बाकी है वो 6 फैक्ट्री क्यूब फुलफिल करेगी उसकी रिक्वायरमेंट। तो इस केसेस में हमारा क्या होगा, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी। तो हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ गया, 1550 एट 0.5, ये हो गया आंसर। अब अगर हमें पता करना हो कि हाँ हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री जो है दूसरे हर एक स्पॉट पे कितना कर रही है, तो हम लोग चलते हैं उसमें, वहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ या फिर मैं ये बना देता हूँ आपको, ताकि आप समझ सके उस पिक्चर में कंफ्यूजन ना हो आपको। ये आपका P था, ये आपका Q था, इसके पास 8 यूनिट थी, इसके पास 6 यूनिट थी, यहाँ पे स्पॉट था A, इसके पास 5 यूनिट, यहाँ पे स्पॉट था B, इसके पास 5 यूनिट, और C स्पॉट के पास 4 यूनिट भेजनी थी। तो ये हमारा, इसको x माना गया था, ये हमारा y था, बचा हुआ क्वांटिटी c के पास, फिर ये q से, ये q से b की तरफ और ये q से a की तरफ। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 यूनिट भेजेगा, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। तो ये आपका आ गया 0 यूनिट, यहाँ पे आपका 5 यूनिट। अब ये देखो 0 और 5 मिला के 5 यूनिट तो हो गया, तो बचेगा कितना, 3 यूनिट, तो बाकी का सब इसी के पास भेजना पड़ेगा, तो ये तो 3 यूनिट हो गई। अब इसके पास टोटल तो 4 यूनिट चाहिए था, तो एक ही यूनिट क्यू सप्लाई करेगा सी को, इधर 5 यूनिट था तो क्यू कितना सप्लाई करेगा, 0 यूनिट, और क्यू ए को कितना सप्लाई करेगा, 100 यूनिट बचा इसके पास कितना, 5 यूनिट, तो ये इसको 5 यूनिट सप्लाई करेगा। अब इस, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें से कुछ भी अगर आपसे पूछा है कि फैक्ट्री क्यू जो है वो बी को कितना सप्लाई कर रही है या सी को, तो वो हम लोग बता सकते हैं, या फिर पूछ ले कि हाँ क्यू से सी तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, तो हम देखेंगे क्यू से सी का कॉस्ट कितना है ट्रांसपोर्टेशन, क्यू से सी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपीज है, और कितनी पर यूनिट 100 रुपीज है, और यहाँ पे कितना क्वांटिटी हमारा ट्रांसफर हो रहा है, एक यूनिट ही, तो क्या हो जाएगा क्यू से सी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपीज। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चंस दिया हुआ था, उसका हमने मैथमेटिकल फार्मुलेशन किया, सबसे पहले उसका पिक्टोरियल व्यू बनाया ताकि हम मैथमेटिकल फार्मुलेशन इजीली कर सकें। तो वहां से हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लेकर, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला ये। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट लगाया कि हमारे पास जो भी यूनिट सप्लाई हो रही है कोई भी सारी की सारी वैल्यू नॉन निगेटिव वैल्यू होगी। तो वहां से हमें ये 6 कॉन्स्टेंट्स मिले जिनको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके एक साथ लिख दिया ये सारी चीजें। उसके बाद हमने इस लीनियर इनक्वालिटीज को ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे,
ड्रा करने से हमें एक बाउंडेड फिजिबल रीजन मिला जिसके कॉर्नर पॉइंट समथिंग थे, उस कॉर्नर पॉइंट पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट किया गया, ठीक है। उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में देखा गया कि 0.5 पे इसकी मिनिमम वैल्यू 1550 अकर हो रही है, मतलब वो उतना पाया जा रहा है। तो यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी कितनी आ गई, रीजन बाउंडेड था इसलिए इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1550 आ गई एट 0.5 पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। थैंक यू। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हमने जितना भी लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक्स को कवर किया। सो थैंक यू।